आगे भरो खोलूंगा, सबको यहाँ में जो है उनको सलाम अलैकुम, आपको बोलना चाहिए वालेकुम अस्सलाम। फिर से मैं बोलूंगा सलाम अलैकुम। आज पेट में खाना नहीं है क्या? थोड़ा और से जोर से बोलना चाहिए सलाम अलैकुम। देखो हमारा तिपरा साहब भी वालेकुम अस्सलाम। जिस दिन एक कौम दूसरी कौम की इज्जत करेगा उस दिन ये देश आगे बढ़ेगा। जिस दिन एक पिपरासा मुसलमान का इज्जत करेगा और जिस दिन एक मुसलमान पिपरासा का इज्जत करेगा, बीच में जो हमारे बीच में तनाव लाता है, जो हमें बांटता है, वो हारेगा। लेकिन उससे पहले हमको समझना है। मैं बात करने आया हूँ, भाषण देने नहीं आया हूँ। अनेक लीडर आसबे एखाने, उन्हीं भाषण देवेन आपनार, এই করতে হবে, এই জায়গাতে চক্রান্ত করতে হবে, আন্দোলন করতে হবে। আমি এমন ব্যক্তি নাই, আমি ডাইরেক্ট কথা বলে আমি লেকচার দেই না, আমি আপনার সঙ্গে কথা বলি। মানে বাত করতে আতা হুম, লেকচার দেনে নেই। ক্যুকি জো লেকচার দেতা হ্যায়, জো ভাষণ দেতা হ্যায়, উসকা মতলবই কুছ অর। মেন ইয়াহাঁ মে আপকো ये नहीं बताने आया हूं कि मुझे वोट करो। अगर आपको वोट नहीं करना है मत कीजिए, ये आपका अधिकार। लेकिन आपको हमारे राज्य का इतिहास भी मालूम होना चाहिए। त्रिपुरा में भाईचारा रहा। त्रिपुरा में हमने धर्म के नाम में राजनीति आज तक नहीं किया, लेकिन आज पूरे देश में ट्राइबल्स हो या माइनॉरिटीज हो, उनको उनकी आवाज को बंद करने की कोशिश हो रही है। कल हम सब जानते हैं कि देश का प्राइम मिनिस्टर त्रिपुरा आ रहा, वो क्या कहेगा? हम अपना तिपरा सा को बोलने वाला, वो क्या बोलने वाला? हमने द्रौपदी मुर्मू को प्रेसिडेंट बनाया तो सब लोग ताली मारेगा और बोलेगा वाह कितना बड़ा काम किया, एक ट्राइबल को प्रेसिडेंट बनाया, ताली मारेगा, लॉलीपॉप दे। आज से लगभग 20 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी आए, उसने बोला मुसलमान अब्दुल कलाम को प्रेसिडेंट बनाया, सब मुसलमान ने ताली मारा। 4 साल बाद गोधरा हो, लॉलीपॉप था, लॉलीपॉप। मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मुझे डर नहीं है किसी से, मेरे पास मेरा पब्लिक है, मेरा प्यार है, क्षत्रिय हूं, डरता नहीं हूं। हाँ छोटा सा राज्य का हूं लेकिन बोलता हूं तो डायरेक्टली बोलता हूं। कल क्या बोलेगा मोदी जी? रास्ता बन गया, नल में पानी आया, बिजली आया, करंट आया, ये आया, वो आया, बुलेट ट्रेन आया, ठीक है। लेकिन ये नहीं बोलेगा कि आपने हम गरीबों के लिए किया। इन्होंने क्या किया मैं आपको बताता हूं। यहां में मीडिया है, वेरी हैप्पी टू सी कर्मा, वेयर इज कर्मा? कर्मा इज राइट देयर, आपको नेशनल मीडिया में किए। पूरा दिन टीवी में
ये लोग पाकिस्तान, चाइना, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, अच्छा आपका दाढ़ी है, आप मुसलमान हैं, आप जिहादी हैं, अच्छा आपका आपको नाक चपटा है, बुकुंबरा है, आप चाइनीज है, चाइना अटैक करता है, हम लोग क्या करते हैं, टिकटॉक को बैन करते हैं। ये सस्ता राजनीति सियासत किसने किया? आज बेरोजगारी के बारे बात नहीं करेगा। पावर में क्यों आया? एक था मिस कॉल बाबा सुनील देवधर, याद है, फोन करो नौकरी मिलेगा। किसी को नौकरी मिला? मिला? इसको कॉकब्रोक में एक शब्द किया जाता है, क्या? नहीं नहीं, बीजेपी का जो बात होता है ना, उसको एक ठोकाई, ठोकाई मतलब जुमला दगाबाज। रेगा 340 टका होवे, मिला? क्या है ये ठोकाई? अच्छा 10,323 टीचर चाकरी पावा जाबे, मिला? क्या है ये? हम लोग ने वालेकुम असलाम बोला, अब मुसलमान को भी थकाई बोलना पड़ेगा। क्या है ये? कोई मियां भी थकाई बोलिए जोर से। हाँ सीख रहा है ना, कब करो आस्ते आस्ते। अच्छा क्या बोला? और भी बोला, डबल इंजन का सरकार, एक इंजन तो 6 महीने पहले निकल गया, मुख्यमंत्री गया, ठीक है, बोला कि डेवलपमेंट होगा, नौकरी होगा, सब होगा, किसी को कुछ मिला? नहीं। 2018 में ये सब बोला, 5 साल तक उनका दिल्ली का नेता को एक दिन नहीं देखा, 5 साल खत्म हुआ, इलेक्शन वापस ये लोग आए दिल्ली से, बोलते ठीक है काज है नहीं, एक बार आपकी वोट दें, ए बार उन्नति होबे, ए बार चाकरी पावा जाबे, ए बार अपना रास्ता होबे, सब होए जाबे। क्या कर रहा है? इलेक्शन खत्म, वापस दिल्ली, हमारा यहाँ का त्रिपुरा के लोगों को, त्रिपुरासा को, मुसलमान को, त्रिपुरा के लोगों को कुछ मिलेगा? क्या बोलता है इसको? तो नेक्स्ट टाइम बक्सर नगर में जब भी कोई लीडर आए ना, नेता आए, जब वो भाषण बोले ना, भाषण दे, तो आपको क्या करना चाहिए? उसको मालूम ही नहीं पड़ेगा, बोलो बोला चलो पलटाई करके आया, वो चलो थकाए, ठीक है। ये लोग हिंदू खतरे में है बोलते हैं, त्रिपुरा में सबसे बड़ा हिंदू तो मैं हूं, माँ त्रिपुरा सुंदरी, माँ मंगल चंडी, हमने किया, लेकिन ये राजा का परिवार ने कभी धर्म के नाम में राजनीति नहीं किया, सियासत नहीं किया। शुजा के लिए मस्जिद बनाया, गेलुमुआ के लिए मस्जिद बनाया, बुद्ध मंदिर बनाया, चर्च के लिए जगह भी दिया अगरतला में, मिशन कंपाउंड में। तो ये लोग हमको क्या सर्टिफिकेट बांटेंगे, हिंदू क्या है, मुसलमान क्या है? इनका राजनीति ना सस्ता राजनीति है, सस्ता राजनीति, काम के बारे बात नहीं करता है, जाति के बारे, धर्म के बारे बात करता है। ऐसे सरकार को क्या करना चाहिए? बक्शीनगर से हराना चाहिए? मैं नहीं जानता हूं कि आप सीपीएम को वोट करेंगे या मोथा को वोट करेंगे, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूं कि आप इस बार यहां से बीजेपी को जीतने नहीं जाएंगे, ये मैं जानता हूं। कुछ ठीक बोल, ठीक बोला, ठीक बोल सका, इसको तो इस बार हराना है। उस दिन अमित शाह डायरेक्ट अटैक करता है मेरे ऊपर, बोलता है कि मैं बी टीम हूं कांग्रेस सीपीएम का, टेबल के नीचे अंडरस्टैंडिंग हुआ बोलता,
अरे टेबल के नीचे कुछ नहीं है, जो भी करता हूं डायरेक्टली करता हूं। जब सीए हुआ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट, मानिक सरकार निकला, रास्ते में मानिक सरकार आया नहीं, नहीं आया। मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, मैंने सीए के खिलाफ, मैंने कहा धर्म के नाम में ये कानून पास नहीं होगा। मैं निकला, मेरे साथ कितना सालों निकला, मेरा पार्टी कांग्रेस ने क्या किया, मुझे धक्का मार के बेइज्जत करके पार्टी से दूर कर। मैं लड़ा पानी सागर में, जब मस्जिद को तोड़ा गया, सबसे पहले कौन ने बोला, सबसे पहले कौन उठा, हमारा पीपरासा का वॉरियर्स उठे। हम उठे ना, जो बोला वो किया। मैंने बोला कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा बीजेपी के साथ, मैं दिल्ली गया, राइटिंग में नहीं दिया, वहीं में ना बोल के एक पहले बार 50 साल में एक आंचलिक पार्टी दिल्ली गया और दिल्ली में सौदा नहीं किया अपने लोगों का, बिना कॉम्प्रोमाइज। हमें कॉम्प्रोमाइज, आज मेरे ऊपर प्रेशर है, मेरे ऊपर दबाव है। बहुत लोग बोलते हैं कि अगर आप अंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे आप जेल जाएंगे। मैंने आज तक कांग्रेस छोड़ा, बीजेपी ज्वाइन नहीं किया, आज तक खुद अपने बलबूते में फाइट करता हूं, अपने लोगों के लिए फाइट करता हूं, पेश करता हूं। जो लोग कांग्रेस में थे वो बीजेपी में गए, आज वापस कांग्रेस में है, मैं नाम नहीं लूंगा, अच्छे दोस्त भी है मेरे, वो आज मुझे बोलते बीजेपी के संग चोट मत करो। अरे मैंने जिंदगी में बीजेपी को एक बार भी वोट नहीं किया, आपने बीजेपी को वोट किया, आप बीजेपी के लीडर बने। मैं अपना ईमान नहीं बेचता हूं, मैं जो हूं वो हूं, पसंद आया तो ठीक है, पसंद नहीं आया तो आपकी प्रॉब्लम है। मैं अपने आप को किसी के फायदे के लिए अपने आप को और अपने लोगों को बेचूंगा नहीं। आई विल नेवर सेल माय पीपल। लेकिन मैं उन्नति भी चाहता हूं, आई वांट डेवलपमेंट, मैं डेवलपमेंट चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि हमारे जो बुकुंबारा लोग, आपका भविष्य, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ठीक रहे। जो लोग बोलते हैं कि महाराजा बोलता है बांग्लादेशी को, बंगाली को बाहर फेंक देंगे, जो बोलते हैं बांग्लादेशी गो बैक, जिसने विप्लव देव को बांग्लादेशी बोला, वो मैं नहीं, बीजेपी ने एक अच्छा वॉशिंग मशीन निकाला है। कोई भी चोर, कोई भी खराब इंसान, कोई भी गलत इंसान, वो वॉशिंग मशीन के अंदर जाता है, वॉशिंग मशीन में धुलता है, नेक्स्ट डे अच्छा हो जाता। किसने बोला बांग्लादेशी गो बैक, किसने बोला चाकमा को बाहर फेंक देंगे, किसने बोला बंगाली को वापस बांग्लादेश भेज देंगे, मैंने नहीं बोला। जिसने बोला वो बीजेपी में आज उनका वाइस प्रेसिडेंट पताल कन्या है, मैंने नहीं बोला। हम तो संप्रदाय बोलते हैं, हमको सांप्रदायिक बोलते हैं, मैंने आज भी धर्म के नाम में राजनीति सियासत नहीं किया, आज भी मैंने किसी को हिंदू मुसलमान के नाम में नहीं बांटा, आज भी मैं बुद्ध को पूजा करता हूं तो उज्जैन का पैलेस में आज भी हफ्ते में दो बार नमाज पढ़ा जाता है, आज भी टुटरा सुंदरी मंदिर में मैं जाता हूं, अगर चर्च में जाना होता तो मैं गॉड के सामने पूजा भी करता हूं, प्रार्थना भी करता हूं। ये परिवार को आप धर्म मत सिखाइए, आपको अगर हिंदुस्तान और त्रिपुरा का आपको इतिहास समझना है तो ये इतिहास हजारों साल पुराना है। ये आप लोग 5 साल में कहां से आए हैं अपना पॉलिटिक्स लेकर, 5 साल ये इलेक्शन के बाद आपको वापस उसी ट्रेन से, उसी प्लेन से वापस दिल्ली भेजना है, आपका टाइम गया।
मैं जानता नहीं हूं कि आप क्या करेंगे, मैं नहीं जानता, आई डोंट नो। यहां में हमारे मुसलमान भाई हैं, बहन है, हमारा तिपरा सा लोग है, आई लव यू। आप मुझे बताओ आज कौन सा पार्टी है त्रिपुरा में जो अपना वर्कर को बचा सकता है? दो साल हो गए हैं किसी में, कोई छूने से पहले 10 टाइम सोचता है। जानते क्यों? उनका लीडर ना सामने से मुकाबला करता है, सामने से मुकाबला करता है। ये हमारे कांग्रेस के दोस्त बहुत अच्छे लोग हैं, राहुल तो मेरा दोस्त है, मैं कभी कभी उनको बोलता हूं यार क्या करते हो, रोज मार खाते हो बीजेपी के हाथ में, दिल्ली से नेता आता है डंडा खाता है, अरे मुकाबला करो, हमको देखो मुकाबला करना जानते हैं हम लोग। ये सीटीएम के लिए टिकट लोग 5 साल में एक बार नहीं निकले, बोलते रहते हैं चल पे ना होवे ना लाल सलाम है होवे ना है, बट निकलते ही नहीं, काउंटर ही नहीं करता। अरे काउंटर करना हमको देखो, छोटा सा पार्टी काउंटर करना जानता है, आप लोग घर से निकलते ही नहीं हो। तो मैं सीपीएम के और कांग्रेस के वर्कर को बोलना चाहता हूं, ये इलेक्शन में फाइट तिपरा मोटा, बक्सर नगर में नहीं पूरे त्रिपुरा में, तिपरा मोटा वर्सेस बीजेपी है। जो गलती बिहार में हुआ वो यहां में मत करो, आज सिर्फ तिपरा मोटा बीजेपी को काउंटर कर सकता है। बंगाल में कांग्रेस भी लड़ा सीपीएम भी लड़ा, लेकिन मुसलमान ने अपना वोट को नष्ट नहीं किया, एक ही जगह में वोट दिया, इसके लिए ममता आई। त्रिपुरा में भी मेरे पुराने पार्टी, मैं बहुत प्यार करता हूं कांग्रेस से, अच्छा पार्टी है, दम नहीं फाइट करने के लिए, इसके लिए 13 सीट पे फाइट कर रहा है, दम नहीं, दम होता तो एटलीस्ट 30-35 में फाइट करके अपने वर्कर को बचाता, नहीं किया। सीपीएम अब से साल रहा, एक इलेक्शन हारने के बाद कमजोर बन के अपने बिल में घुस निकले ही 5 साल क्या होगा अगर आज तिपरा मोटा नहीं जीतता है, तो आपका घर का सुरक्षा, आपका वर्कर का सुरक्षा, आपके बच्चे का सुरक्षा कौन करेगा? अगर आपने अपना वोट को बांटा तो ये फायदा किसी और को होगा। इसके लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं, गुजारिश करता हूं कि इस बार आपने सबको चांस दिया, आपने दिल्ली के पार्टी को चांस दिया, आपने कलकत्ते के पार्टी को चांस दिया, आपने गुजरात के पार्टी को चांस दिया, ये अनारस हमारा लोकल पार्टी है, आपका पार्टी है, एक होइए, एक होइए और इस बार फाइट कीजिए। मैं बोलता हूं मुझे परवाह नहीं है हारू या जीतू, लेकिन जीतेगा तो हारेगा तो, लेकिन वन लास्ट फाइट तो करके रहेगा, पूरा जिंदगी किसी का गुलामी करने से अच्छा है। 70 साल से हमको नीचे रखा गया है, 70 साल से हमें दबाया गया है, इस बार उठो, इस बार फाइट करना सीखो। ये फाइट आपका इलेक्शन का फाइट नहीं है, आपका भविष्य का फाइट है, आपका नेक्स्ट जनरेशन का फाइट है। आप फाइट करेंगे? आप लोग फाइट करेंगे? ये फोन है ना, फोन उठाओ और फोन उठा के अपने दोस्त को फोन करो,
अपना भाई को फोन करो, अपना बुमा को फोन करो, अपना पड़ोसी को फोन करो, अपना कामी में फोन करो और बोलो कि ये प्रद्योत विक्रम माणिक्य आपके लिए फाइट कर रहे हैं। पॉकेट में इतना पैसा नहीं है लेकिन तभी भी फाइट कर रहे हैं आपको आपका अधिकार देने के लिए। यहां मैंने जो कुछ बोला है, मैं चाहता हूं कि हमारा पिपरासा उन्नति करे, इनका बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाए, तो मैं चाहता हूं कि आपके मदरसा में भी अच्छा स्कूल आए। मैं चाहता हूं कि हमारे यहां से इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, सिविल सर्वेंट बने। मैं चाहता हूं कि आपके हाथ में भी अगर एक हाथ में कुरान हो तो एक हाथ में लैपटॉप। मेरा सर किसी के सामने झुकता नहीं है, अगर झुकेगा तो परवरदिगार के सामने झुकेगा, वरना कट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। मैं रेडी हूं, हम पिपरासा लोग रेडी हैं। मुझे मालूम करना है कि आप लोग रेडी हैं। पॉलिटिक्स को बदलना चाहिए ना, ये सस्ता नेतागिरी को बदलना चाहिए। हाँ, कब तक आप वोट बैंक पॉलिटिक्स बन के रहोगे? कब तक कोई मौलाना आके मुझे बोलेगा कि मेरे पास 500 मुसलमान का वोट, ये मुसलमान का वोट किसी का जागीरदारी नहीं है, आपका अधिकार, आपका खुद का अधिकार है, किसी का जागीरदारी मत बनिए। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स ने और ये वोट बैंक का पिपरासा का पॉलिटिक्स ने 70 साल तक हमको बेचा है। किसी और ने धंधा किया, किसी और ने हमारा नाम, हमारा कौम को लेकर धंधा किया, वो अमीर बने, हम गरीब के गरीब रहे। आज एक मौका आया है, आज एक मौका आया है, ये मौका आपके पास है, है। फाइट करना पड़ेगा, yes. फाइट करना पड़ेगा। 16 तारीख को आप लोग डरेंगे, बाइक पहनी आएगा, बाइक पहनी आएगा। क्या करना है बाइक पहनी को? नहीं मानना है, हम लोग एक हो जाए ना, भाई बहन को बोलेंगे मोटरसाइकिल से निकलो, अब से ये मोटरसाइकिल बॉक्सर नगर का है, उनको सब मोटरसाइकिल रखे, उनको बोला पैदल जाओ वापस। देखो पब्लिक के पास पावर है, पीटने का दरकार नहीं है, पैसा फेंकेगा बीजेपी, पैसा फेंकेगा, लेना है कि नहीं लेना है? अरे मियां क्यों नहीं ले, क्या उसका बाप का पैसा है क्या? वो कॉन्ट्रैक्टर का पैसा है, वो अदानी अंबानी का पैसा है, उद्योगपति का पैसा है, ये पैसा ड्रग माफिया का है, पैसा फेंकेगा ना? आप लोग ले लो, लेगा कि नहीं लेगा? लेगा कि नहीं लेगा? ठीक है सर, बीजेपी ने वोट कर दो, अपनी टाका दिए थे आपको गरीब रखा, खुद मोटा बन गया अगरतला में, एमएलए बन के, नेता बन के, अब पैसा फेंकेगा, लो उनका पैसा लो, उनको गरीब बनाओ, उनको भिखारी बनाओ और खुद थोड़ा सा पैसा कमाओ। लेकिन 16 तारीख को कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ट्राइबल हो, नाक चेपता हो, दाढ़ी वाला हो, टीका वाला हो, कोई फर्क नहीं बनता, हम लोग पिपरा के हैं, पुराना पिपरा के हैं। आप जाओ और अनारस में देखो, और अगर नहीं किया तो 5 साल तक हमको पछताना पड़ेगा, 5 साल तक फिर से पछताना। मेरा कैंडिडेट कहाँ है?
पीछे है सर, पीछे है सर, पीछे अमुक है, मैं आपको जानता हूं। आदमी ना स्ट्रेट आदमी, सीधा आदमी, डायरेक्ट काम करता है, इसके लिए बहुत कुछ पसंद भी नहीं करता। उस दिन सेंटू मुझे बोल रहा था, है बैठ जाओ, बैठ के बात करो, पर ऐसा तबीयत ठीक नहीं, बैठ के बात करता। उस दिन सेंटू मियां मुझे बोल रहा था कि ये अबुक है ना, बैठ जाओ, कैसा लग रहा है, मैं भाषण दे रहा हूँ कि बात कर रहा हूँ। तो